हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एमपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है। क्वेश्चन ये है कि सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ए, मुरैना। सबलगढ़ का जो किला है वो मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है और करौली के राजा गोपाल सिंह ने इसे बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन काफी टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ए, सिंगरौली को। मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है वो सिंगरौली को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाला हरदोल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन यह है कि लाला हरदोल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी, ओरछा। लाला हरदोल की कहानी मध्य प्रदेश की ओरछा से है और ओरछा मध्य प्रदेश में मंदिर को लिए प्रसिद्ध है। तो लाला हरदोल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाता है बी, हमारा ओरछा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ए, मुरैना। कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है मुरैना जिले में। और सिहोनिया कछवाहा राजपूतों की राजधानी यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। कछवाहा वंश की स्थापना की बात करें तो यह 1115 ईस्वी से 1135 तक इन्होंने राज्य किया और इनमें जो राजा थे वो कृतिराज प्रमुख राजा थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन यह है कि मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ए, पीतमपुर। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीतमपुर को कहा जाता है और यह अनेक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है। यहाँ मध्य प्रदेश के धार जिले में है और भारत का डेट्रॉइट अगर कहें तो चेन्नई को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में कैलाश सत्यार्थी जी ने शुरू किया और उन्हें 1914 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, कैलाश सत्यार्थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में IIT और IIM किस शहर में है या स्थित है? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा सी, इंदौर। मध्य प्रदेश में IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था और IIM भारतीय प्रबंधन संस्था कहां पर है? इंदौर में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ए, भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, भोपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी, दो। मध्य प्रदेश में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है और दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय अनूपपुर में। तो इसका आंसर हो जाता है दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी, भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? क्वेश्चन यह है कि भारतीय लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ए, मालवा। जो भारतीय लोकगीत है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बनाया किसकी याद में जाता है? राजा भर्तृहरि की याद में बनाया जाता है। तो ये मालवा का लोकगीत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलाखंड के लोकगीत मध्य प्रदेश किस क्षेत्र से हैं? जो आलाखंड है हमारा वो लोकगीत, आलाखंड के जो लोकगीत हैं वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ए, बुंदेलखंड। आलाखंड जगनिक द्वारा रचित परमार रासों का हिस्सा है। इसे आला उदल का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाता ए, यह किससे संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और काफी लोकप्रिय भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी, बरगद। बरगद का पेड़ मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ है। यह 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाता है बी, बरगद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। राखी की चुनौती की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की थी और ये व्यापम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाता है ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ए, सरोद बाधक। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? तो ये सरोद बाधक है और ये ग्वालियर ग्वालियर से संबंधित हैं और ये सरोद बाधक है। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? सफेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ए, रीवा को। रीवा को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घरानों में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी, ख्याल। ग्वालियर घराना ख्याल नामक शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इसके सबसे प्रसिद्ध कवि तानसेन है जो ग्वालियर शहर से आते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ग्वालियर जो घराना है वो कौन से शास्त्रीय संगीत की विधा से संबंधित है? तो वो ख्याल से है। इसका आंसर हो जाता है बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा ए, कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम। कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम ग्वालियर ग्वालियर का क्रिकेट स्टेडियम है। यह फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने विश्व का पहला दोहरा शतक लगाया था। तो अब इसका आंसर हो जाता है ए, कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम ग्वालियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम कहां पर है? तो इसका आंसर आपको मालूम ही होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी, 24 मई 2008 को। सिंगरौली जिला 24 मई 2008 को अस्तित्व में आया। यह सीधी जिले के सिंगरौली, चित्रांगी और देवसर तहसील को मिलाकर बनाया गया है। थैंक यू फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर